लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं साक्षी। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों पर। इंदौर निगम कमिश्नर ने निगम के सभी अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में स्मार्ट सिटी समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। इंदौर के पोस्टर में जिन्होंने मदर इंडिया, नूरजहां, मिलन शहीद जैसी कई फिल्मों के पोस्टर अपने हाथों से बनाए, कलाकारों के अपने हाथों से बनाते हैं हूबहू पोस्टर। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मिली चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार। इंदौर निगम कमिश्नर ने शुक्रवार को निगम के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। इस दौरान निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर लगने वाली सब्जी मंडी को स्थानांतरित किया जाए, जिससे शहर में होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या का निराकरण हो सके। इसके साथ ही बारिश को लेकर तैयारी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बैठक में चर्चा की गयी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर इंदौर निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आगामी योजनाओं की रणनीति बनाई गई, जिसमें निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि बैठक में शहर में रोड पर लगने वाली सब्जी मंडियों को लेकर जोनल अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि सड़क पर लगने वाली सब्जी मार्केट और भीड़भाड़ इलाके में लगने वाले सब्जी मार्केट को चिन्हित कर उन्हें स्थानांतरित किया जाए। वहीं बैठक में बारिश और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से निगम कमिश्नर द्वारा चर्चा की गई। देखिए, आज जो सामान्य हम लोगों की टाइम लिमिट मीटिंग टीएल मीटिंग रहती है वो ली गई है। उसमें कई सारे मुद्दे सभी विभागों से संबंध डिस्कस किए गए हैं। एक जो प्रमुख बिंदु ये था कि हमारी जितनी भी सब्जी मार्केट्स हैं, जो ज़्यादातर रोड्स पे लग रही हैं या फिर बड़े ही भीड़भाड़ वाले स्थानों में लग रही हैं, हमारे जडोस के माध्यम से हमने कुछ स्थल चिन्हांकित किए हैं, हम लोग उन सब्जी मार्केट्स को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। मदर इंडिया, नूरजहां, मिलन शहीद, गॉड, मुगल ए आजम जैसी कई फिल्मों के पोस्टर इन्होंने उस दौर में बनाए थे जब प्रिंटिंग इतनी प्रचलन में नहीं थी। कलाकारों के अपने हाथों से हूबहू पोस्टर बनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम सोलंकी, जो कि इंदौर के गोराखुंड पर रहते हैं। यह बहुत पुराना है, लेकिन घर में रखी उनकी यह कला किसी मॉडर्न आर्ट से कम नहीं है। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने यह कला सीखी। 50 साल से भी ज्यादा के पुरुषोत्तम हो चुके हैं। वह अब गिनीज वर्ल्ड बुक के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें वह 3 साल में 300 पेंटिंग बनाएंगे। पुरुषोत्तम जो भी कलाकृति बनाते हैं वह सालों तक संजोई जा सकती है। इस पेंटिंग में भी जो कलर है वह सालों पुराने हैं, जो कि सिर्फ मुंबई में ही मिलते हैं। पुरुषोत्तम जी अपनी कला बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक को सिखाते हैं। जीवन के इस समय में उनका मानना है कि उनकी यह कला उनके जान के बाद भी लोगों के बीच बनी रहे। सर, मुझे ये 50 साल हो गए, ये 50वां साल चल रही है। 14 अप्रैल 1969 से, और पहली पिक्चर में जाने के बाद मैंने खिलौना पिक्चर के पोस्टर में काम किया था। जयपुर के अंदर खिलौना पिक्चर लगी थी प्रेम प्रकाश सिनेमा के अंदर, वहाँ से मेरा ये स्टार्ट है पूरी यात्रा। अच्छा, अभी तक कितनी आपने पेंटिंग्स बनाई होगी और इंदौर में जो है आपने कब से काम शुरू? इंदौर में मुझे करीब करीब 37-38 साल हो गए ये काम चालू किया। जब पहले 12 साल मैंने जयपुर में काम किया, और इंदौर में भी काफ़ी बड़े बड़े काम किए मैंने, जैसे अन्नपूर्णा मंदिर का जो हाथियों वाला गेट है, ये मैंने उज्जैन में 1980 में बनाया था। सीएस में देवी अहिल्या स्कूल के अंदर मेरी पेंटिंग बनी हुई है। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र के समथर तिरहाई पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को युवक के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। थाने ले जाकर जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि जिस मोटरसाइकिल को वो चला रहे थे वह भी चोरी की थी। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम दीपक राजपूत, भूपेंद्र सिंह ग्राम धमोकर जिला भिंड और सागर सिंह जाटव निवासी जालौन बताया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। सर, ये आरोपी किस मामले में पकड़े गए हैं? ये बीती रात जो है दिनांक 20/31 को प्रभारी निरीक्षक मोठ है SSI विकास सिंह, SI वाजपेयी जी, ये लोग रात्रि गश्त और चेकिंग में थे। तो समथर तिराए पे जो है एक जो है चोरी की मोटरसाइकिल से जो है 3 व्यक्ति आते दिखाई दिए समथर से,
तो उनको रोक के चेक किया गया तो तीनों जो है व्यक्तियों से कब्जे से एक एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुए तलाशी के दौरान। रायगढ़ सरिया में एक कलयुगी मां ने अपने ही पुत्र की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। इंसानी रिश्तों को तार तार करने वाली ये वारदात सरिया थाना की है। मिली जानकारी के मुताबिक सरिया थाना अंतर्गत ग्राम बमहनी पाली में रहने वाली सुखमती टंडन अपने 8 वर्षीय पुत्र लोकेश को पसंद नहीं करती थी। कई मर्तबा इस बात को लेकर उसका पति उसे समझाया भी करता था। कल भी किसी बात को लेकर सुखमती आवेश में आ गई और उसने अपने घर में रखे फावड़े से अपने पुत्र लोकेश के सिर और गर्दन पर प्राणघातक हमला कर दिया। घटना के बाद लोकेश के परिजन उसे बरमकेला अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां से उसे रायपुर के लिए रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सरिया टीआई आशिक वासनिक ने तत्काल कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खरगोन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर भी योगा का आयोजन किया गया। खरगोन शहर के अनाज मंडी में जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर योग का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर गोपाल चंदार, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सहित जनप्रतिनिधि एवं स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे और योग अभ्यास किया। जिला कलेक्टर गोपाल चंदार ने मीडिया को बताया कि उन्हें योग करने में बहुत आनंद आया, मजा आया। 1 घंटे का योग करके मजा आया। योग करें, निरोग रहे, ये थीम है, ये लगातार बोला जाता है और हमारा पुराने जन्मों का वर्षों पुराना हमारा ये चीज है। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।